टोरेंट फार्मा के बारे में बात करेंगे। कंपनी दोस्तों बोनस देने जा रही है, बोनस की डेट्स और डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ टोरेंट फार्मा के बिजनेस को समझेंगे दोस्तों, वैल्यूएशन को, गाइडेंस को, और क्या लेटेस्ट टारगेट्स टोरेंट फार्मा में जो ब्रोकरेजेस ने दिए हैं, इन सब के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। शुरुआत बोनस से करते हैं। कंपनी 1:1 के रेशियो में बोनस देने जा रही है, मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो आपको एक बोनस का शेयर मिलेगा। सिमिलरली आपके पास 20 शेयर है तो 20 शेयर मिलेंगे, तो टोटल 40 शेयर हो जाएंगे आपको, तो उस हिसाब से बोनस का एडजस्टमेंट होने वाला है। अब यहां पर एडजस्टमेंट होगा जुलाई 8 को, जिस दिन आपको अचानक से लगेगा कि शेयर प्राइस आधा हो गया है। तो ये तो जो भी एक दिन पहले जो भी उसकी जो क्लोजिंग प्राइस होगी उसके हिसाब से एडजस्टमेंट होगा, बट जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूं, समझ लीजिए 3000 हाइपोथेटिकली में अगर ये बंद होता है तो 1500 में खुलेगा, ठीक है। अभी हमको डेट नहीं पता है, डेट तो हमको जुलाई 8 है, तो जुलाई 7 की जो भी क्लोजिंग प्राइस होगी उसका आधा के हिसाब से ओपन होगा, ठीक है ना। और जो बोनस शेयर भी जो है कुछ दिनों के बाद, इनफैक्ट जुलाई 24 से पहले जो अकाउंट है उसमें क्रेडिट भी हो जाएंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहां पर बोनस जो है शेयर प्राइस आधा हो जाएगा और जो शेयर जो है वो डबल हो जाएंगे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं टोरेंट फार्मा के इंपॉर्टेंट बिजनेस की। लार्ज कैप की कंपनी है दोस्तों, लगभग 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है अभी फिलहाल, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं 2920 के पास शेयर प्राइस है। स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग है 71.2% की। डेट टू इक्विटी थोड़ा ज्यादा है, 0.68 की डेट टू इक्विटी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग उनके रिटर्न रेशियोज है। आरओसी आरओई दोनों ही 18 से ऊपर है टोरेंट फार्मा में। ये मोतीलाल ओसवाल जो ब्रोकरेजेस हैं उन्होंने बहुत अच्छी एनालिसिस की थी, वो मैं डेटा लाया हूं आपके सामने कि कैसा उनका जो सेल्स है वो ग्रो हुआ है। तो देखिए यूएस में सेल्स जो अगर आप देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर में बिल्कुल स्टैग्नेंट है, थोड़ा कम हुआ है, लेकिन थोड़ा सिक्वेंशियली बढ़ा है, क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे पिछले कुछ क्वार्टर में स्टैग्नेंट है। इंडिया में अच्छा ग्रोथ कर रहा है, इंडिया में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी है, लेकिन अभी आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे की टेरिटरी में है। सबसे अच्छा ग्रोथ जो इनफैक्ट जो कोविड का जो साल था, जो इनफैक्ट जो अप्रैल से जून पिछले साल, तो वो बहुत ही अच्छा था उनके लिए, जो 18.2% का उनका जो है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ था। बट अगेन वो ग्रोथ भी इसीलिए हुआ होगा क्योंकि उससे एक साल पहले सब कुछ लॉकडाउन में बंद था, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पिछले 2 साल का जो डेटा है बहुत ही डिस्टॉर्टेड डेटा है। बट यस, इंडिया के बिजनेस में हम देख सकते हैं, आप यहां पर देख सकते हैं सेल्स जो है 10.9 बिलियन, 10.3 बिलियन, तो ठीक ठाक ग्रोथ अभी कर रहा है। लेकिन जो यूरोप का जो बिजनेस है, जर्मनी का जो सेल्स है, वहां पर डीग्रो हो रहा है, ठीक है ना। वो आप देख सकते हैं 2.7, 2.7, 2.4, अभी 2.2 बिलियन। ग्रोथ कहां हो रहा है, ब्राजील में ग्रोथ हो रहा है, आप देखिए 1.9 बिलियन से 2.5 बिलियन, तो यहां पर ग्रोथ हो रहा है। इनफैक्ट ब्राजील का बिजनेस है जो सबसे ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है उनके लिए वो है यूएस का बिजनेस और इंडिया का बिजनेस। इंडिया का बिजनेस का जो डेटा है अभी ठीक कर रहा है, लेकिन पिछले 2 साल का जो डेटा है बहुत ही डिस्टॉर्टेड है, जो बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब दूसरा है मार्जिन्स। तो देखिए मार्जिन्स जो है उनके कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं 430 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर, आप यहां पर देख सकते हैं। ये क्वार्टर फोर में 26.3% का जो था मार्जिन्स था, और उससे पहले आप देख सकते हैं यहां पर 30%, 31% के आसपास के मार्जिन्स थे। तो अभी मार्जिन्स कम हुए हैं, और मार्जिन्स देखिए सभी बिजनेस में कम हुए हैं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े हैं, तो सबको फर्क पड़ा है, तो इसकी वजह से जो प्रॉफिट्स हैं वो थोड़ा सा ईयर ऑन ईयर डिप हुए हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि बिजनेस ग्रो कर रहा है, लेकिन मार्जिन्स जो है रॉ मटेरियल के कारण मार्जिन्स प्रॉफिट्स में थोड़ा सा फर्क आ जा रहा है। तो कंपनी सस्ते में मिल रही है कि नहीं, तो देखिए ये मई का डेटा है जहां पर हमको पता चल रहा है कि ये अगर एवरेज पीई उनको 20 अभी आप देखेंगे 26 के आसपास उनको मिला है, जो अभी 29 के आसपास है। तो कंपनी ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही आपको सस्ते में मिल रही है, फेयर वैल्यू में ही मिल रही है अगर आप टोरेंट की देखेंगे। लेकिन हाँ, अगर टोरेंट में लगभग शेयर प्राइस नीचे जाता है तो फिर एक बहुत ही बढ़िया, अगर वैल्यूएशन के हिसाब से आप देखेंगे तो अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आप यहां पर ओवरऑल ईवी बाय एबिट्टा भी देख सकते हैं, 14.2 है लेकिन अभी 15.7 है, तो थोड़ा कंपनी बहुत सस्ते में नहीं मिल रही है फेयर वैल्यू, और महंगे में भी नहीं मिल रही है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत महंगी है, फेयर वैल्यूएशन में ही ट्रेड कर रही है। अब टोरेंट का बिजनेस गाइडेंस, हमने देखा कि मार्जिन कैसे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, तो उन्होंने गाइड किया है कि उनके जो मार्जिन हैं 1 से 1.5% इंप्रूव हो सकते हैं इस साल में, ठीक है, जो अभी कम हुए हैं।
दूसरा जर्मनी के बिजनेस में देखा हमने किस हिसाब से डीग्रो हुआ है, तो उनका कहने का है कि नए प्रोडक्ट लॉन्चेस आएंगे, नए टेंडर विंस होंगे, तो जिसकी वजह से जर्मनी का बिजनेस भी अच्छा कर सकता है। तो ये सब जो चीजें हैं मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूं, क्योंकि ये सब चीजें देखने वाली चीजें हैं जब हमको क्वार्टर वन क्वार्टर टू में पता चलेगा। बाकी ब्राजील में उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया हुआ है, ब्राजील में आपने देखा किस हिसाब से उन्होंने मार्केट में ग्रोथ किया हुआ है, टॉप 5 कंपनीज ब्राजील में भी उनका अभी नाम आ गया है। तो ओवरऑल लास्ट में ब्रोकरेजेस ने क्या फंडामेंटल टारगेट्स दिए हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल ने कहा है कि फेयर वैल्यू में ही ट्रेड कर रहा है, 2850 इसकी फेयर वैल्यू है, और 12 महीने का आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने टारगेट दिया है 3235 का। तो टारगेट आएंगे नहीं आएंगे वो तो खैर बाद की बात है, लेकिन इंपॉर्टेंट है बिजनेस अच्छा कर रहा है कि नहीं। जो अभी लग रहा है कि बिजनेस थोड़े से मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और अगर शेयर प्राइस और नीचे हो तो फिर अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और दूसरा जो ट्रिगर है वो है बोनस, बोनस में जब शेयर बहुत ही नीचे जाएगा तो किस हिसाब से मार्केट उसको रिएक्ट करती है वो भी देखने का रहेगा। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको एनालिसिस में मदद मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल आपके चैनल अली फाइनेंशियल आजादी को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।